हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी स्टाइल्स। और आज मैं करने वाली हूँ एक रिव्यू वीडियो अबाउट दिस हाइलाइटर। ये है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर बाई फी स्टूडियो बाय मेबलिन न्यूयॉर्क। अगर आप मेरा रिव्यू जानना चाहते हैं इस हाइलाइटर के बारे में तो प्लीज़ कीप कंटिन्यू वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आउटर पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका आउटर पैकेजिंग, आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक केस में मिलता है और ये बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है, बहुत स्टर्डी पैकेजिंग है इसका। इसका जो प्लास्टिक इसमें है ये भी काफ़ी हार्ड है। इसका ओपनर भी बहुत स्टर्डी है, आपको इसको एक क्लिक करके इसको बंद करना पड़ेगा इस तरीके से, और खोलने के लिए थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा तब ये खुलेगा। और यहाँ पर मिलता है आपको आपका प्रोडक्ट, और इसमें मैंने जो शीट पिक किया था वो आप देख सकते हैं। ये है 050 मोल्टन रोज गोल्ड। इसमें एक मोल्टन गोल्ड वाला भी शेड आता है, वो गोल्डन अंडरटोन में है, और ये मोल्टन रोज गोल्ड वाला ये पिंक अंडरटोन में है। तो आप इस हिसाब से ले सकते हैं कि आपको पिंक अंडरटोन में हाइलाइटर चाहिए या फिर आपको गोल्डन अंडरटोन में चाहिए। गोल्डन अंडरटोन में चाहिए तो आप वो वाला ले सकते हैं, या फिर मुझे पिंक चाहिए था तो मैंने ये वाला लिया है। और इसका पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छा है, आप इसको लेकर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको बैग में डालोगे और ये ओपन हो जाएगा और फैल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ओपनर बहुत ही स्टडी है, इसकी वजह से आप इसे बैग पर ईजिली कैरी कर सकते हो। और इसमें आपको 6.7 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है हाईलाइटर के लिए, विच इज़ इनफ क्वांटिटी। और इसका जो प्राइस है वो है 550। ओवरऑल इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है, स्टर्डी है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पैकेजिंग है। बट इसमें आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है, तो आप अगर मिरर मिलता तो वो और भी बहुत अच्छा होता। सो मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं इसका शेड कितना प्यारा शेड है इसका, एकदम स्लाइटली पिंक अंडरटोन में है, और इसका शेड एकदम यूनिक है, इसलिए मैंने इस शेड को पिक किया है। एकदम ही सॉफ्ट है और इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर्स या फिर शिमर पार्टिकल्स आपको नहीं दिखेंगे, तो ये बहुत ही सॉफ्टली आपके स्किन पे अप्लाई होगा। और मुझे पर्सनली पिंक हाइलाइटर्स काफ़ी पसंद होते हैं, इसलिए मैंने लिया है। और अगर आप इसे डेली बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम अमाउंट लेकर अप्लाई करना होगा, अदरवाइज़ ये बहुत पिगमेंटेड है। और अगर आप ये वाले हाइलाइटर को डेली बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम अमाउंट पर लेकर अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है। ये वाला हाइलाइटर बहुत अच्छा है, आप इसे इजीली हर फंक्शन में या फिर आपको कहीं भी जाना हो या फिर कहीं भी आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके स्किन पर एकदम नेचुरल दिखता है एकदम, और ये बहुत देर तक लॉन्ग लास्ट करता है। सो मैं आपको इसका हैंड स्वॉच दिखाती हूँ, एकदम बटरी सॉफ्ट है। ये इसका शेड, इसका हैंड स्वॉच आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, और बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स इस तरीके का नहीं है, बहुत ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है अप्लाई करने पर, और बहुत प्यारा शेड है। ये मोस्टली फेयर टू मीडियम स्किन टोन में बहुत अच्छा जाएगा, और डस्की स्किन टोन में ये थोड़ा वॉश आउट कर सकता है। और जो मोल्टन गोल्ड वाला शेड है वो फेयर टू मीडियम टू डस्की हर एक इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, आप वो वाला शेड भी ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर आप पिंक हाइलाइटर लवर है तो आप डेफिनेटली ये वाला हाइलाइटर ट्राई करके देखें। सो मैंने कोई भी हाइलाइटर अपने फेस पर अभी अप्लाई नहीं किया है, तो मैं ये वाला हाइलाइटर अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को।
गाइस ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फेस पर ये वाला हाइलाइटर अप्लाई किया है। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, बहुत अच्छे से मेरे फेस को हाइलाइट किया है और मुझे ये वाला हाइलाइटर बहुत पसंद आया। ये बहुत प्यारा एक हाइलाइटर है, बहुत प्यारा एक ग्लो दे रहा है मेरे फेस को और मैं इसका दूसरा शेड भी ट्राई करूँगी। आप इस हाइलाइटर को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा, आप रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओवरऑल ये एक bomb.com वाला प्रोडक्ट है जो कि सबको ट्राई करके देखना चाहिए। और ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस हाइलाइटर। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।